हेलो एवरीवन, अब पीछे तरफ आप देख सकते हैं वो जीनी का स्टैचू बना हुआ है और यहाँ पर चारों ओर बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और मैं आपका राउंड व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पर चारों तरफ में बहुत अच्छे अच्छे मेले के स्टैचूज लगे हुए हैं और पीछे तरफ वो इनॉग्रेशन के फंक्शन होने वाले हैं वहाँ पर, और मैं चारों तरफ घूम के आपको राउंड व्यू दिखा रहा हूँ रामोजी फिल्म सिटी के। तो चलिए, हम ये वही फिल्म सिटी है दोस्तों जहाँ पर बाहुबली फिल्म की शूटिंग हुई थी और यहाँ पर ये डिज्नीलैंड के जैसे दिख रहा है यहाँ पर। तो आगे चल के हम डिटेल्स लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे, देखिए ये जीनी का फोटो दिया हुआ है। ये फिल्म सिटी में खास बच्चों का ध्यान दिया गया है जहाँ पर कार्टून्स के बने हुए हैं ज़्यादा पिक्चर्स और पोर्ट्रेट्स, और यहाँ पर गेम्स भी हैं, स्विंगिंग गेम्स है। और आप देख, तो ये आप देख चुके हैं जीनी का फोटो। आप देखेंगे इस साइड में जा आपको वंडरलैंड की जैसी फीलिंग आएगी। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं और भी अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, बहुत अच्छे। ये एक्चुअली जो घर बने हुए हैं वो बस स्टॉप के जैसे हैं और होटल्स और रेस्ट रूम्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पीछे आईफिल टावर है और साइड में आप देख सकते हैं और कुछ अच्छे अच्छे डेकोरेशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पीछे रामोजी का बैनर और यहाँ पर सांता क्लॉज। और यहाँ पर थोड़ा पीछे अगर जाएंगे देखेंगे यहाँ पर डिज्नी का जो फिल्म शूटिंग होता है यहाँ पर, आप देखिए ये। ये पूरा रामोजी का फिल्म सेट लिख। तब चलते हैं और जगह भी देखेंगे यहाँ पर और आगे चल के देखेंगे और कुछ फिल्म सेट। तो चलिए, और ये आप देख सकते हैं रामोजी का बैनर लगा हुआ है यहाँ पीछे। ये पूरा महल के जैसे है और मेरे जस्ट पीछे है क्रिसमस ट्री बना हुआ है। तो चले चलते हैं, देखते हैं क्रिसमस ट्री में क्या कह सकते हैं। ये इसके जस्ट सामने ही एक बड़ा महल का आकार दिया गया है यहाँ पर। तो इग्लू और क्रिसमस ट्री देखने के बाद, ये महल देखने के बाद आप आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं और क्या क्या है हमारे रास्ते में। आप देख सकते हैं पीछे, देखिए ये जीनी का फोटो दिया हुआ है। तो आगे चल के हम देखेंगे ये मेन गेट है जहाँ से इनॉग्रेशन फंक्शन शुरू होने वाला है और इसका राउंड व्यू है। चारों तरफ क्रिसमस की तरह सेलिब्रेशंस हो रही थी, क्रिसमस ट्री और बाकी डेकोरेशंस किए गए हैं। तो मेन एंट्रेंस के सामने आप देख सकते हैं इतना बड़ा स्नोमैन बनाया गया है और मैं यहाँ पर खड़े होकर पीछे लेता हूँ, देखता हूँ। तो ये चारों तरफ का व्यू, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। वो महल के सेट से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर चारों तरफ कुछ डांस के सेट लगे हुए जैसे लग रहा है। यहाँ पर जोकर की टोपी है इतनी बड़ी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ्लाइट रखा गया है, जो फ्लाइट जैसे शो करते हैं। ये आर्टिफिशियल है, ये भी हम जो फिल्म में देखते हैं ये पूरा रियल नहीं है। आप देख सकते हैं पास में आकर देखेंगे, जो फाइटर जेट की शूटिंग होती है, फाइटर जेट के सामने फाइटर प्लेन के सामने लोग खड़े रहते हैं, ये है वो। आप देख सकते हैं ये रियल नहीं है। यहाँ पर एक रखा गया है और यहाँ पर नाम दिया गया है रियल, पर ये रियल है नहीं, बहुत अच्छा पर दिखता है।
शॉट की रात को दिया जाता है, जो ये लाइटिंग दिया गया है, ये लाइट्स दिया गया है, रात को शूट होता है, आप देख सकते हैं। ये सोल से बने हुए हैं, सोल का है। आगे चलते हैं, देखते हैं। और ये आर्टिफिशियल पेड़ है, यहाँ पर लाइटिंग की वजह से ये पूरा रियल दिखेगा, रियल पेड़ की वजह से बने हुए यहाँ पर लाइटिंग की वजह से ये जगमगा उठेगा रात को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं गाड़ी में बैठे हैं, इनका भी शॉट लिया जाता है। बात जो मैं बोल रहा था, इसके अंदर ट्यूबलाइट बल्ब लगे हुए हैं और ये रात को ये जगमगा उठेगा। तो आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कॉन्सर्ट होती है, सब रॉक कॉन्सर्ट होगा, कुछ भी कॉन्सर्ट की सॉन्ग कॉन्सर्ट होगा तो यहाँ पर शूटिंग होता है। तो अंदर जाने के यहाँ परमिशन है नहीं हमें, तो आप जाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, रात के समय होगा। और जस्ट राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रूम बने हुए हैं, रूम में ज़्यादातर वो अगर जोधा अकबर की शूटिंग यहाँ पर होगी ऐसे बोला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम फाइटर जेट पहले दिखा चुके हैं, यहाँ फाइटर जेट का शॉट लिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाहुबली की फिल्म की शूटिंग देखने के लिए चलिए आगे। तो अभी सुबह के 10 बज गए हैं, 10 बजे कुछ ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है, तो चलिए जाके देखते हैं ओपनिंग सेरेमनी में क्या होता है। शायद कुछ समझाने वाले हैं कुछ प्रोग्राम के बारे में, इससे चलिए देखते हैं ओपनिंग सेरेमनी में क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जमा हुए हैं लोग तो ओपनिंग सेरेमनी के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी के लिए जमा हुए हैं लोग, तो यहाँ पर कुछ हमें टिप्स की ट्रेनिंग कुछ दिया जाएगा, उसके बाद हम जा सकते हैं कहाँ पर क्या चीज़ है देखने के लिए। तो ये जो हम देख रहे हैं दोस्तों, ये रामोजी फिल्म सिटी का मेन एंट्रेंस है, जहाँ पर सबसे पहले इनॉग्रेशन सेरेमनी होगा। यहाँ पर दो दरवाजे हैं, वो खुलेगा, उसके बाद इनॉग्रेशन सेरेमनी होगा, फिर उसके अंदर हम जाएंगे। We are going to present the spectacular opening ceremony at Eureka Plaza area. Opening surprise. Eureka wholeheartedly greets you lovely people into the kingdom of fun, frolic and excitement. Meet it live. Flash those smiles and get back to the magical moments you always cherished as a child. Be our kings and queens of the day as you enter the fort of Eureka of the great Indian Empire. Await the opening of a magical day and discover the wonderful amalgamation of cultures. Hark the clarion call. Witness the opening of the fort. तभी वो इनॉग्रेशन सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है, सुबह को 9:30 के 10 बजे के अंदर वो इनॉग्रेशन होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अभी। यहाँ पे हम कुछ फोटोज लेते हैं जो डांसर्स आने वाले हैं, बहुत अच्छे वो ट्रेडिशनल डांस करने वाले हैं। चारों मिल हुई थी, आया हमारा पावना।
डांस स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ट्रेडिशनल राजस्थानी डांसर्स यहाँ पर डांस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। डांस के बाद हमें अंदर जाने का मौका मिलेगा तो जाके देखते हैं। चलिए अभी अंदर चलते हैं। तो अभी अंदर जाने का परमिशन मिला है। तो दोस्तों अभी इनॉग्रेशन सेरेमनी के बाद अभी अंदर जाना है हमें। इस डोर तक जाना है हमें और इनॉग्रेशन सेरेमनी कंटिन्यू होने वाला है तो चलिए अंदर चलते हैं। ये भाई ये डोर आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना भव्य और शानदार महल का आयोजन है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला है महिषासुर का महिष, जहाँ पर फोटो उठा रहे हैं सब। ये है महिषासुर का महिष है ये। और चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पर महल का शेप है, ये चाइनीज महल के जैसे है। और ये अंदर का आप देख सकते हैं, ये अंदर का महल का शेप। और यहाँ पर देखेंगे तो ये चाइनीज स्टोन के जैसे दिख रहा है ये। थोड़ा ऊपर चलते हैं तो ओपनिंग सेरेमनी कंटिन्यू होगी, देखते हैं ऊपर में क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये है टोम के अंदर का नज़ारा है। और ओपनिंग सेरेमनी अभी भी कंटिन्यू है, देखते हैं। ओपनिंग सेरेमनी के ख़त्म होने के बाद हम अंदर चलते हैं। देखिए दोस्तों अभी अंदर चलते हैं, अंदर में देखेंगे और क्या क्या नज़ारा है। देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट ओपनिंग सेरेमनी का गाना ख़त्म हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुद्धिज्म भगवान का जैसे बनाया तो गया है पर हम बोल नहीं सकते हैं ये। आप देख सकते हैं ऐसे बनाया गया ऊपर, आप देख सकते हैं स्टैचू आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको फुल इनाव्यू दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये अंदर ड्रैगन वैली है, ये ड्रैगन के बिल्डिंग के शेप के बना हुआ है। तो ये चारों तरफ का राउंड व्यू यहाँ पर देखिए आप। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर रावण के 10 सर है, रावण के 10 सर के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए रावण के साथ फोटो उठाया जा रहा है, हम भी चलते हैं रावण के साथ, रावण का एक सर बनने के लिए। चलिए चलते हैं।
चलो तो रावण के शरीर सिर के साथ हम अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे देखेंगे यहाँ पर चाणक्य रेस्टोरेंट है जो बहुत अच्छा आकार में बनाया गया है। नहीं नहीं रेस्टोरेंट सब डिजाइन से कराए। ये चारों तरफ जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो ट्रेडिशनल बनाया गया है, आप देख सकते हैं। इसका मिनिएचर बारीकियों को ध्यान रखा गया है और उसके जो आर्किटेक्चर होंगे वो बहुत ही परफेक्ट होंगे। और मैं खुद चलता हुआ आ रहा हूँ नीचे से ऊपर कुछ डिफरेंट पोजेस दिखाने के लिए, डिफरेंट पोजेस ऑफ दिस बिल्डिंग आप देख सकते हैं। और इस बिल्डिंग के बाद हम जाएंगे एक गुफा की तरफ या फिर आप बोल सकते हैं जंगल की तरफ। जंगल से होते हुए हम जाएंगे कुछ अलग बिल्डिंग्स की तरफ जहाँ पर हमें रामोजी फिल्म सिटी के मूवी में अजय दिखाए जाएंगे। और उसके साथ स्पेस यात्रा आप देख सकते हैं इस ओर एक गार्डन की गार्डन्स बनाए हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्डन्स। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये रामोजी फिल्म सिटी की स्पेस यात्रा है। इसके अंदर स्पेस की यात्रा कराई जाएगी, एक अनुभव। एक तो हम स्पेस यात्रा के अंदर चलते हैं। स्पेस यात्रा के अंदर क्या है तो देखेंगे। यहाँ पर हमें पता चलेगा यहाँ पर स्पेस यात्रा। सर यहाँ पर स्पेस यात्रा में क्या होगा? टिकट टिकट फ्री है। अच्छा तो हमने यहाँ पर देखा कि ये स्पेस यात्रा हमारा फ्री होगा। तो यहाँ पर स्पेस यात्रा होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर में देखेंगे क्या क्या हमें स्पेस का यात्रा कराया जाएगा। यहाँ बहुत अच्छा व्यू दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस की यात्रा के लिए डिफरेंट डिफरेंट बैनर लगाए गए हैं। तो जो टिकट हमारे जो लिया गया था वो टिकट के अंदर सब कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। 3950 जो टिकट लिया गया है उसके अंदर सब कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत भीड़ लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें उसके अंदर स्पेस यात्रा कराया जाएगा। अच्छा यही कुछ रिक्रिएशनल कुछ प्रोग्राम है ये आज इससे टीवी में दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी लंबी तीन लाइन को पार करके हमें जाना पड़ेगा। देखिए स्पेस यात्रा करने के लिए यहाँ पर बहुत लंबी लाइन है।
वेटिंग टाइम यहाँ पर 15 मिनट्स दिया गया था, तो उसके अंदर यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो चलिए चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर फिनिश यात्रा का अभी हमारा लाइन चलने लगा है, तो हम 5 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे, तो चलिए चलते। देखिए अभी भी हमारा लाइन, हम जस्ट फ्रंट में पहुँच गए हैं जस्ट, और उसके बाद हमारा लाइन आने वाला है। स्पेस यात्रा के लिए हम अब जाएंगे, स्पेस यात्रा के लिए। दरवाजा खुल चुका है, देखिए दोस्तों अभी अंदर चलते हैं। देखिए प्लीज बी सीटेड ऑन योर रेस्पेक्टिव सीट्स टिल द राइड कम्स टू कंप्लीट फॉर द साइड गेट्स टू ओपन। देखते हैं यहां पर, देखिए पीछे तरफ यहां पर स्पेस, जब तक ना खुले और यहां राइड पूरी तरह ना रुके, आपसे निवेदन स्टार पर ही बैठे ना रुके। Voyagers, oh, there you are. Welcome to your space flight adventure. Scanning for intruders. You can never be too careful. Prepare to descend to the level 21 launch platform. यहाँ पर दोस्तों अभी स्पेस क्राफ्ट का तैयार कराया जा रहा है। देखिए please be seated on your respective seats till the ride comes to complete halt. Wait for the side gates to open. किनारे के सुरक्षा द्वार जब तक ना खुले और यहाँ राइट कुछ होने हमारा राइट खत्म हो चुका है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। प्लीज बी सीटेड ऑन योर रेस्पेक्टिव सीट्स। ये मैजिक टी शर्ट है, इसमें क्या चमक है? कितना ग्लो करेगा टी शर्ट? कितना का है? 600 पर टी शर्ट का। टी शर्ट है स्पेस की यात्रा के बाद बाहर में अच्छा अच्छा स्पेस का कलेक्शन रखा गया, देख सकते हैं स्पेस का कलेक्शन है यहाँ पर। और यहाँ पर टी शर्ट है जो रात को चमकता है, यहाँ पर रेडियम के टी शर्ट्स हैं, देख सकते हैं आप। तो आगे चलते हैं, अब स्पेस की यात्रा के बाद हम चलते हैं और कुछ जाने माने लोकेशंस पे चलते हैं, अगर बाहुबली कैसेट अगर मिल गया तो अच्छा बात है, चल देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्मी दुनिया है, तो देखेंगे इसके अंदर कुछ दिया जाने का कुछ है क्या, देखते हैं। तो ये फिल्मी दुनिया का लाइन देखते हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर शायद फिल्म के बारे में सेट्स लगे हुए होंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ फिल्मी दुनिया में शायद फिल्मों के सेट्स लगे होंगे, तो चलिए जाके चल के देखते हैं। लाइन तो यहाँ पर लगा हुआ है बहुत, चलिए फिल्मी दुनिया के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर हम फोटो उठाएंगे, फोटो उठाएंगे दोस्तों। हम फिल्मी दुनिया में आ चुके हैं, देखिए यहाँ पर चारों तरफ ये फिल्मी दुनिया के सैर का इनर व्यू है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ये जो राइड है इसमें बैठ के हमें अंदर का सैर कराया जाएगा, तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट राइड कब आएगा। तो चलिए अब हमें राइड मिल चुका है, बैठ के हम जाएंगे। तो हम दोस्तों गाड़ी में बैठ चुके हैं फिल्मी दुनिया के सैर के लिए।
पूरी दुनिया के सैर के लिए हम तैयार हैं। तो दोस्तों अभी फिल्मी दुनिया के सैर के लिए हम सब मम्मी पापा सब तैयार हैं। चलिए तो आप जा रहे दोस्तों अंदर, तो चलिए आप हमारे साथ। नेक्स्ट सेट दिखाया जाएगा गन मैन, ये देखिए गन पकड़े हुए एक बॉय, और उसके अंदर दिखाया जाएगा आप देखिए। नेक्स्ट ये देखिए उड़ते हुए हवा में गन मैन के बारे में दिखाया गया। नेक्स्ट पोर्ट्रेट, फिर नेक्स्ट पोर्ट्रेट दिखाया जाएगा मॉडर्न फैशनेबल मैन के बारे में, फैशनेबल आज के ज़माने में कैसे रहते हैं। ये गाड़ी दिखाया गया, फिर ये कैमरा मैन डायरेक्टर दिखाते हुए। इच्छा भी पूरी कर दो। मैं त्रिशा से शादी करना चाहता हूं। ये बच्चे का राइड खत्म हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराने काल के इजिप्शियन मम्मीज के रखे हुए हैं, और यहाँ पर हमें सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ताजमहल भी है,
और सातों वंडर्स दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं कलरफुल लाइट्स के साथ। यहाँ पर हम देख सकते हैं सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले ताजमहल हमने देखा, ये देखिए मेरे पीछे ताजमहल है जो आगरा में है। सेकंड पेट्रा जो जॉर्डन में है, पर रॉक किस बना हुआ है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और ये कोलोशियम रोम में है, ये आप देख सकते हैं। आगे चलेंगे तो ये देखिए, ये है चिचन इत्ज़ा पिरामिड जो मेक्सिको में है। पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी है और क्रिस्ट रेडीमर स्टैचू जो ब्राज़ील में है वो भी है यहाँ पर। तो बाकी सारे यहाँ पर लाइटिंग के साथ सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे और चारों तरफ घूम के और क्या क्या है। और ये हमारा फैमिली के साथ एक फ़ोटोग्राफ हुआ, हमने तो ये ट्रिप में बहुत मज़े किए हैं। तो चलिए आगे से बढ़ते हैं। दोस्तों सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखने के बाद हम चलते हैं बाहर, देखेंगे और क्या क्या। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर बढ़िया गिफ्ट शॉप भी था। ये क्या टी शर्ट पर डिफरेंट टाइप्स की टी शर्ट हो कि खिलाने हो खरीद सकते हैं डिफरेंट टाइप्स। अच्छा सनलाइट में कलर चेंज है। कितना रेट है ये, कितना रेट है वो? एडल्ट्स का 600 बच्चों का 400। अभी यहाँ से बाहर निकलने के बाद फिल्मी दुनिया से आप देखते हैं और क्या क्या रिक्रिएशन एक्टिविटी है। यहाँ तो बहुत जगह है जाने के लिए, एक दिन का तो मामला है नहीं यहाँ पर। चेस एक्ट एंड टेक योर मेमोरी बिलिया। यहाँ पर कुछ एक्शन होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं और ये जो बैक में आप देख पा रहे हैं ये रामोजी मूवी मैजिक लिखा हुआ है। इसके अंदर जनरली फिल्म मूवी शूटिंग कुछ कुछ हो सकती है।
यहाँ पर शायद कुछ मूवी का शूटिंग चल रहा है इसलिए। ये अंडर सर्विलेंस रखा गया है। तो ये मूवी मैजिक के बिल्डिंग के अंदर का सकते हैं, मूवी मैजिक रामोजी मूवी मैजिक के बिल्डिंग के अंदर का दृश्य है। तो यहाँ पर अंडर सर्विलेंस रखा गया, तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर फाउंटेन भी दिया गया है। फाउंटेन तो आगे चल के देखते हैं। तो चलिए दूसरे बिल्डिंग में चलते हैं। ये रामोजी मूवी मैजिक, आप नेक्स्ट बिल्डिंग में चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट्स कैमरा एक्शन, इसके अंदर सब फोटोशूट फोटोग्राफी होता रहता है। और ये बढ़िया बढ़िया लोकेशंस है, यहाँ पर फिल्म शूटिंग हो सकते हैं। अब जो मेन जो अट्रैक्शन है यहाँ पर शूटिंग का मेन अट्रैक्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है आपका सेट्स। आप देख सकते हैं ये मेन सेट्स है। तो यहाँ पर हम जाके देखेंगे, यहाँ पर बाहुबली का सेट हमें मिल सकता है। तो चलिए नीचे जाके देखते हैं। तो आगे जाएंगे तो देखेंगे, देखिए ये बड़ा। अब नीचे तरफ जाके देखते हैं, नीचे तरफ बोला गया कि बाहुबली का सेट है। चलिए जाके देखते हैं बाहुबली सेट। तो आप आगे जाएंगे देखेंगे राजस्थानी महल है, हवा महल बोलते हैं। तो वो राजस्थानी महल फोर्ट में राजस्थानी फिल्म की शूटिंग होती है। तो हम चलेंगे वहाँ पर चल के देखेंगे, वहाँ पर बसेस भी यहाँ पर मिलते हैं। बस फैसिलिटी बहुत है, बस फैसिलिटी से आप जहाँ भी जा सकते हैं। चलता रहेगा रेड कलर का बस, तो आप उसके हिसाब से जहाँ पर भी जा सकते हैं। चलिए बस में चढ़ के जाते हैं और यहाँ कभी चल के जा सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा आगे जाएंगे तो ये पूरा सेट है। आगे जाएंगे तो ये राजस्थानी कल्चर के जो महल बनाए गए हैं टोम्स, वो आपको नज़र आएंगे। और थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। तो ये पूरा उसका सेट है, आप देखेंगे। थोड़ा आगे जाके देखते हैं, यहाँ पर लाइटिंग्स बहुत हैं। रात को ही लाइटिंग चलेंगे तो और बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ पर राजस्थान फिल्म की शूटिंग होती है। अब हमें बस में बैठा के ले जाया जा रहा है और इस स्टूडियो के सफ़र में ले जाया जाएगा। और बोला गया स्टूडियो का सफ़र 2 घंटे का होगा, उसके बाद बाहुबली का सफ़र होगा। बाहुबली का सफ़र हम अलग से दिखाएंगे, पहले स्टूडियो का सफ़र देखते हैं। तो चले चलते हैं। यहाँ को सेकंड में बस मिल जाएगी, बस से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बोला गया रेड कलर का बस मिलता है, तो यहाँ पर बहुत जल्दी बस मिलते जाएगी। यहाँ पर ऐसे कलर का बस आपको मिलेगा, जो बस चल रही है सेकंड में पूरा सैर आपको कराएगा। हम चलते हैं, आप बस स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ स्टूडियो का सफ़र होगा। इसके बाद हम बाहुबली का सफ़र लास्ट में करेंगे, बाहुबली का सेट्स का सफ़र लास्ट में करेंगे। बस स्टार्ट हो चुकी है, ये समझ जान लीजिए। आप जा रहे हैं स्टूडियो टूर में, स्टूडियो टूर में गार्डन फिल्म सेट और बर्ड पार्क देख सकते हैं।
చూడండి మీరందరూ ఇప్పుడు స్టూడియో టూర్లో వెళ్తున్నారు. స్టూడియో టూర్లో గార్డెన్ సినిమా సైట్ పడిపోయి చూడొచ్చు. 12 గంటలు టైం పడుతుంది, 2 అవర్స్. అలెక్ సే బస్సెస్ మిలెంగి వాపస్ ఆనె కే బాద్ ఉదర్ జానే 5 బజే తక్ బస్సెస్ అవైలబుల్ హై నాన్ స్టాప్. बाहुबली के लिए अलग बस से हम जाएंगे, पहले हम स्टूडियो का संपर्क कर लेते हैं. राइट में आप यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप देख रहे हैं वो क्या क्या बोल रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन दिए चल रहे हैं. राइट लो इकड़ा वृंदावन गार्डन ఉండండి, డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఆర్గనైజ్ చేస్తారు. లెఫ్ట్ సైడ్ మే ఆప్కి జో లొకేషన్ హై దేఖియే, యే లొకేషన్ కా నామ్ సియారా గార్డెన్ హై. లెఫ్ట్ సైడ్ లో నా లొకేషన్ చూడండి, లొకేషన్ ఏరియా పేరు సియారా గార్డెన్. ఈ యాక హైట్ ఫౌంటెన్ అగైన్ చూడండి, ఏంజెల్ ఫౌంటెన్ ఉంది ఇక్కడ, ఉన్నది హైట్ ఫౌంటెన్. ఫౌంటెన్ బనే గ్రీక్ డిజైన్ మీద, ఫౌంటెన్ గ్రీక్ డిజైన్ లో తయారు చేశారు. సర్కిల్ దేఖ్ సక్తే హై లెఫ్ట్ మే, इस तरफ जो हमारा एम्प्टी जगह है, ये लोकेशन है लाइव लाइट गार्डन. चूँगी लेफ्ट साइड लो पहले खाली स्थल चूँगी, लोकेशन पेर लाइव सेम साइड लो पाइने चूँगी. आन टॉप लो हवा महल साइड चूड़ा, जयपुरी डिजाइन लो तैयार ओ हवा में करिश्मा गार्डन. सर्कल शेप गार्डन चूँगी पेर करिश्मा गार्डन. आगे देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में, इस तरह पे स्टूडियो का इक्विपमेंट डिपार्टमेंट. लेफ्ट साइड लो चूँगी इकमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पर सेट्स के जो लाइट कैमरा क्रेन यहाँ से रेड पे रहते हैं. जनरेटर लो लाइट्स कैमरा क्रेन इकन उड़े रेंट पे सर देख सकते हैं आप. एदरुंगा जग फाउंटेन जुड़े छु मेड ऑफ रोमन डिजाइन. और बिल्डिंग है देखिए राइट साइड में, बिल्डिंग सूर्यवंशम केजीएफ 2 फिल्म में देख सकते हैं. राइट साइड लो ने बिल्डिंग चूँगी चंद्रमुखी केजीएफ 2 सिनेमा चूड़ी. लेफ्ट साइड से जो बिल्डिंग एरिया देखिए, इस एरिया को फिल्म में डायरेक्टर्स दिखाते हैं नॉर्थ इंडियन सिटी, पर भारतीय सिटीज में यहाँ बनाते हैं. चूँगी लेफ्ट साइड में ना बिल्डिंग एरिया चूँगी, बिल्डिंग एरिया डायरेक्टर सिनेमा लो नॉर्थ इंडियन सिटी लो वाड़ कर रहे चूपिस्तर. आप देख सकते हैं ये जनरली मुस्लिम एरिया तो. तो इसके इनसाइड व्यू देख सकते हैं, अभी आप जा रहे हैं स्टूडियो के नाथ से बनने. ये सब बिल्डिंग कार्डबोर्ड से बने हैं, से आर्टिफिशियल से अन्य बिल्डिंग कार्डबोर्ड तो तैयार जैसे चूँगी आर्टिफिशियल से. विमला नायक ट्रिपल आर सिनेमा चूड़ी, ट्रिपल आर फिल्म रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में देख सकते हैं. आर 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 मूवी आर 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 मूवी में स्टूडियो दिखाया गया है. आर 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 मूवी का जो कार्डबोर्ड के बने हुए हैं, ये स्टूडियो के नॉर्थ सिटी हो गया. आगे कॉर्नर में देख सकते हैं लेफ्ट में फ्लेक्स हाउस बंगलो साइड, कॉर्नर चूँ लेफ्ट साइड लो फ्लेक्स हाउस चूड़ो बंगलो साइड. नीचे साउथ सिटी मार्केट सीन्स दिखाएंगे आपको, इंदा इक साउथ सिटी मार्केट सीन चूपा मार्केट चूँगी कार्डबोर्ड बनाए देख लीजिए, बेचने का नहीं दिखाने का सामान इतना
कंफ्यूज हो जाएंगे आप। खाने बेचने का नहीं है, दिखाने का सामान। अच्छा, ये सब सामान देखो, ये सब कार्डबोर्ड से बनाया गया है, ये कल दिखाने के लिए बनाया गया है। डीजे रॉकस्टार श्रीमंगल सरनाडु पुष्पा सिंगा ब्रिटेन चेन्नई एक्सप्रेस सीआईडी मुसा मिशा मारवन लिंगाजी जाल मूवी शॉट आगे। ये गांव है बाहुबली बिगिनिंग फिल्म में दिखी जा एक्सप्रेस में भी चूँगी। इक पालकूर सैड होना ऊर सैड बाहुबली बिगिनिंग लेदा चेन्नई एक्सप्रेस चूड़ी गाँव का सीन से देखिए। आगे देख सकते हैं आपके राइट में कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, सभी बिल्डिंग रामोजी गुरुबाब कंपनी के एडमिन बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, सभी ऑफिस बिल्डिंग है। चूँगी राइट साइड लो कोने पर बिल्डिंग कनपड़ती, अन्नी रामोजी गुरुबाब कंपनीज एडमिन। और बस के सामने जो रोडवे एरिया देख रहे हो उस तरफ ये रोडवे एरिया को डायरेक्टर्स फिल्म में मिनी हाईवे दिखाते हैं, यहाँ पे चेजिंग एक्सीडेंट सीन्स बनाए जाते हैं। बस से अंदर रोडवे एरिया चूँगी, रोड एरिया में फिल्म आते हैं चूपिस्तर। हम जो देख रहे हैं रामोजी, इसका पूरा जगह है 1,666 एकड़, 1,660 स्टूडियो बनाए मिस्टर रामोजी राव और ये 1996 में ओपन हुआ है। स्टूडेंट रामोजी फिल्म स्टूडियो एरिया वे 1,660 देखने, इसमें पहला रुंडी फिल्म, बड़ी मियाँ छोटी मियाँ फिल्म किया बॉलीवुड फिल्म 1997 to 1998 पीरियड में फिल्म किया है। फर्स्ट टॉलीवुड सिनेमा स्टूडियो लो मां डायरेक्ट फिल्म किया है सेम पीरियड लो। बस के सामने जो एरिया है ये रेलवे स्टेशन है, बस इधर को ना एरिया चूँगी, ये रेलवे स्टेशन है। सेंट्रल जेल ये जो आगे है ये सेंट्रल जेल है, मतलब जेल स्टूडियो में जो दिखाया जाता है सेंट्रल जेल, इसके अंदर फॉल्स स्टैचू सब लगे हुए हैं, ये बस जेल का शूटिंग होता है। चलिए ये साहस एडवेंचर पार्क इधर चूड़ी, साहस एडवेंचर पार्क। और इस तरह भी बिग शूटिंग इंडोर सिनेमा तैयार करने पड़ता है। तो इधर हम आपको ड्रॉप करेंगे स्टूडियो वन में, के अंदर देख सकते हैं आप भागवतम से एयरपोर्ट हवा महल बर्ड पार्क जाने के लिए, वहाँ से दूसरे बस मिलेगी, कोई भी गाड़ी चढ़ सकते हैं। चूँ ड्रॉप इस्मु भागवतम से चूडा की, भागवतम से चूसा रेलवे स्टेशन स्टूडियो देखने जा रहे हैं साहस एयरपोर्ट हवा महल बर्ड पार्क चूडा चढ़ सकते हैं। इसके बाद हमें रेलवे स्टेशन से दूसरी बस पिकअप करेगी। हम चाहेंगे स्टूडियो वन में, स्टूडियो वन में क्या क्या देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पौराणिक कथाओं के बारे में दिखाया गया है, और यहाँ पर पुरानी जो भागवत है रामायण है यहाँ पर शूटिंग हुई है, और हिंदी की हो चाहे वो तेलुगु की हो, वो सबसे बड़ी जो तेलुगु रामायण जो थी, ये तेलुगु महाभारत सबसे पहली यहाँ पर शूटिंग हुई है।
तो देखिए कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। तो हम अंदर जाएंगे अभी और देखेंगे शूटिंग के कुछ सेट्स कैसे वहाँ पर सेट्स लगाए गए थे और किस प्रकार के सेट्स थे वो हम अंदर जाके देखेंगे। यहाँ बाहर से भी बहुत सुंदर दिख रहा है ये सेट, रंग बिरंगा और जो कारीगरी की गई है वो बहुत ही सुशोभित दिख रही है। तो आप पास से देख सकते हैं नज़दीक से कितना सुंदर दिख रहा है ये कारीगरी। ये तब के जो कारीगर थे इतने अच्छे से डेकोरेट किए हैं, पर ये सब कार्डबोर्ड से बना हुआ है और पर लाइटिंग्स इतनी अच्छी दी गई है तो ये बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत मनोहर दिख रहा है। तो अंदर चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर राजा महाराजा बैठे हैं, बैठते थे शूटिंग के टाइम, अभी उसके डमीज दिए गए हैं। ये पूरा क्लोज व्यू दिखा रहा हूँ मैं, हमें सामने हमें लाइन बाय लाइन में दिखाया गया ये स्टूडियो वन में इसका सेट लगा हुआ है। और देखिए चारों तरफ कितने बारीकी से काम किया गया है। यहाँ पर पौराणिक कथाओं का शूटिंग होता था पहले, फर्स्ट रामायण जो तेलुगु में वो उसका शूटिंग हुआ है, तो उसके लिए वो सेट बनाया गया। चलो बाबा चलो चलो। राजा महाराजा जहाँ बैठते थे यहाँ देखते थे, राजा महाराजा के बैठने के लिए सीट बनाया गया था, इसके जगह डमी बैठाया गया है। ऊपर देख सकते हैं आप उसका सेट का जो आगे देखिए कितना अच्छा सजाया गया है, माइथोलॉजिकल शोज के लिए। ऊपर का आप देख सकते हैं इसका कारीगरी भी देखिए बहुत अच्छे से किया गया है, ये पूरा माइथोलॉजिकल के लिए किया गया है। यहाँ पर भी आप देखिए डमीज बैठाए गए हैं ताकि पूरा रियल लगे, सब कार्डबोर्ड के बने गए हैं यहाँ पर। ये देखिए कार्डबोर्ड से बने हुए हैं, ये भी राजा महाराजा के महल बनाए गए देखिए। ये ऊपर उसके होल्ड किए गए हैं, ये रियल वाले नहीं है, ये कार्डबोर्ड के सब बने गए हैं, देख सकते हैं ऊपर में देखिए। यहाँ पर ही बैठे गए देखिए राजा महाराजा का पैलेस, पुराने काल से बनाए गए थे वैसे। इसका बैग देख सकते हैं कैसे होल्ड किया गया है रोप से, देखिए कार्डबोर्ड को रोप से होल्ड किया गया है ऊपर में। और ये इसका एग्जिट डोर है, ये फर्स्ट थिएटर फर्स्ट स्टूडियो का सैर हो गया, आप सेकंड स्टूडियो में चलते हैं। फर्स्ट स्टूडियो में तो हमें दिखाया तो मैं जनरली ये माइथोलॉजिकल शोज के दिखाया गया था, जो पुराने काल में रामायण महाभारत जो शूटिंग हुए हैं उसके दिखाए गए थे, अभी सेकंड स्टूडियो में देखते हैं क्या होता है। तो ये फर्स्ट स्टूडियो का सैर के बाद फर्स्ट स्टूडियो में जो माइथोलॉजिकल शोज के बारे में दिखाया गया है, इसके बाद हमें रेलवे स्टेशन के पास खड़ा करने को बोला गया, वहाँ पर सेकंड बस आएगा देख सकते हैं आप। तो चलिए अब सेकंड स्टूडियो आते हैं, इसके पहले कुछ खाना खा लेते हैं। यहाँ पर खाने के लिए सब अरेंजमेंट है, तो आप स्टूडियो वन से निकल के भी खाना खा सकते हैं। देखिए निशा से अब खाना खाने के बाद हमें बोला गया था कि स्टेशन में रुकने के लिए वहाँ पर बस आएगा, तो आप देख सकते हैं स्टेशन का ट्रेन का टायर आप देख सकते हैं, ये मथुरा जंक्शन दिखाया गया है किसी मूवी में। ये आप देखिए ये ट्रेन जो है और इसका टायर आप देख सकते हैं, ये आर्टिफिशियल ट्रेन बनाया गया है। ये आर्टिफिशियल ट्रेन आप देख सकते हैं, ये पूरा फेक ट्रेन है ओनली फॉर शूटिंग, क्योंकि इसके टायर ट्रेन के टायर नहीं है, ट्यूब के टायर है। मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज लुक में, क्यों आर्टिफिशियल ट्रेन बताया जा रहा है मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि देखिए सर टायर देखिए आप ट्रेन के टायर आप देख सकते हैं,
और सर टायर आप देख सकते हैं, ट्रेन का टायर है। ये आर्टिफिशियल ट्रेन क्यों बोला आप देख सकते हैं ये वाला। और जंक्शन भी दिखाया गया है, मथुरा जंक्शन इधर है, इधर है आपका देखिए, और इधर भी और एक जंक्शन दिखाया गया है देखिए। आगे बढ़ते हैं देखते हैं, ये देखिए ये हमारा आर्टिफिशियल ट्रेन और ये आर्टिफिशियल रेलवे स्टेशन। एसी वाले को देखिए, इसका देखिए इंजन और ये आर्टिफिशियल इंजन आप देख सकते हैं। अरे रुको रुको भागो, यहाँ पर ट्रेन खत्म हो गया आप देख सकते हैं। इसका इंजन और सर टायर है, ट्रेन का टायर नहीं। और वहाँ पुणे जंक्शन है और वहाँ पर विजयनगरम जंक्शन, तो जो जंक्शन चाहिए वो जंक्शन दे देते हैं। जंक्शन देख सकते हैं यहाँ पर पुणे जंक्शन और वहाँ पर देखिए विजयनगर। आ चुके हैं आर्टिफिशियल एक जंक्शन है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी आर्टिफिशियल, रेलवे भी आर्टिफिशियल है, स्टेशन भी आर्टिफिशियल है। विजयनगर जंक्शन लिखा हुआ है और पीछे आप देख सकते हैं पुणे जंक्शन लिखा हुआ है, तो जहाँ पर चाहिए वहाँ पर वो जंक्शन का नाम लिख रहे हैं। आप देखिए स्टेशन, आप रेलवे देखते हैं, तो वहाँ चलते हुए हम देखें ये आर्टिफिशियल रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म है पूरा, ये पूरा सोल से बनाया गया है। देखिए रेलवे स्टेशन के बाद देखने के बाद हम फिर से बस में सवार हो गए और फिर से नए स्टूडियो की तरफ रवाना हुए। अब देखते हैं नए स्टूडियो में क्या क्या है। अब यहाँ पर इनको जो अनाउंसमेंट किया, If not, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है। नेक्स्ट स्टॉपेज में दिखाया गया ये बंगलोर, जहाँ पर शूटिंग हुई है। तो हम देखते हैं ये क्या, ये तो ईटा, ये तो ठीक सीमेंट से ही बना हुआ है, शायद वो कार्डबोर्ड से बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं लंदन सिटी जहाँ पे शूटिंग होता है, जहाँ फॉरेन के लोकेशंस दिखाए जाते हैं। तो ये हमारे फॉरेन के लोकेशंस दिखाए जाते हैं ऐसे।
तो ये जो एरिया है सिमिलर टाइप का है, सब घर और अच्छे से डेकोर किए गए हैं। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, ये वे टू फ्लाइट है, मतलब शायद एरोडम या एयरपोर्ट का ये स्टूडियो सेट है। इसमें एयरपोर्ट का स्टूडियो दिखाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सब कार्डबोर्ड से ही बनाया गया है, ये पूरा एयरपोर्ट का ही स्टूडियो है। यहाँ दिखाया गया है, देखिए आप डोमेस्टिक अराइवल्स, ये पूरा एयरपोर्ट का स्टूडियो है। ये है डोमेस्टिक अराइवल, चलिए चलते हैं। ये उत्तर प्रदेश टूरिज्म, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, तो अंदर यहाँ से हमें पूरा एयरपोर्ट का नज़ारा दिखाया जाएगा। ये पूरा एयरपोर्ट का ही स्टूडियो है, ये देखिए फॉल्स स्टूडियो एयरपोर्ट का है। यहाँ पर हीरो हीरोइन सब स्टूडियो एयरपोर्ट के सीन्स शॉट करते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा ये जो बना हुआ है ये कार्डबोर्ड से बनाया गया है, ये पूरा कार्डबोर्ड से बनाया गया है। ये वे टू बोर्डिंग पॉइंट, हाँ चलो प्लेन, ये प्लेन में हम चढ़ते जा रहे हैं। ये हम देखिए प्लेन का ही पूरा सेट है, तो ऊपर जाएंगे ये प्लेन का बोर्डिंग है। ये जो बनाया गया ये चेक इन में है, तो आप देखिए ये जो अंदर बनाया गया है पूरा प्लेन का सेटअप किया गया है, पूरा प्लेन का सेटअप किया गया है। ये पूरा फॉल्स प्लेन है, पूरा फॉल्स प्लेन है, पर प्लेन का सेटअप किया गया है यहाँ पे। ये दिख रहा है प्लेन का जैसा, प्लेन है नहीं, प्लेन का फॉल्स कुछ वहाँ से एग्जिट है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे एग्जिट है। तो चलिए एग्जिट में चलते हैं, बस इतना ही है इसका, बस इसका फॉल्स। ये प्लेन का आकार बनाया गया है। हम बाहर आ गए हैं प्लेन के, एयरपोर्ट के बाहर आ गए हैं। ये पूरा एयरपोर्ट का सेटअप किया गया। चलिए अब नेक्स्ट जंक्शन में जाने के लिए हमें बस आ चुका है, तो चलिए नेक्स्ट जंक्शन में जाते हैं। नेक्स्ट कहाँ पर दिखाया जाएगा चलते देखते हैं। तो बस में चढ़ के हम नेक्स्ट स्टॉपेज में उतरेंगे, देखते हैं कहाँ पर ले जाए। अभी हम नेक्स्ट गाड़ी में बैठ चुके हैं दोस्तों, अभी जापानीज गार्डन और क्या क्या गार्डन दिखाया जाएगा, और उसके बाद लास्ट में बाहुबली का सेट दिखाया जाएगा, देखते हैं। ये बहुत टायरिंग जर्नी है, तो आप जो भी आए सब रेडी होकर आइएगा, क्योंकि हमें कवर करना है और इसके लिए हम बस के पार बस चेंज करना ही पड़ेगा जितना भी हो सके। नेक्स्ट जापानीज गाड़ी जाते देखते हैं। रावण मूवी शाहरुख खान करीना कपूर फाइट सिंह एंड मलयालम मूवी सियानी मूसा अर्जुन ने शुरू किया है। तेलुगु मूवी डॉट नंबर वन नागार्जुन सर ने शुरू किया है, ओके डॉट नंबर वन इसी नकली एयरपोर्ट के आगे शुरू किया है। राइटर साइड सिर्फ टेम्पल रोड सर, ये जो रोड है ना केजीएफ टू मूवी में देख सकते हैं, विलन एंट्री दिखाया गया है इसी रोड के। राइटर साइड दिस बिल्डिंग एफ टू बिल्डिंग, आपके राइट में जो बिल्डिंग है एफ टू बिल्डिंग है, मल्टीपर्पज बिल्डिंग, डायरेक्टर जी को हवेली ट्रेंस कॉलेज हाईकोर्ट जैसा दिखाना तो इसी बिल्डिंग को शूट किया जाता है। के जी एफ टू में देख सकते हैं रॉकी का घर दिखाया गया है इसी बिल्डिंग को। जग फाउंटेन यहाँ पे दोबारा आ गए, ये जग को निकाल के इसी के ऊपर ऋतिक रोशन का स्टैचू लगवाया था जो क्रिश 3 मूवी में देख सकते हैं।
ब्लास्टिक सिंह एंड बाबा लव अवर जो गाना है ना ये भी शूट किया गया। तो कुछ ही दिन में आप जा रहे हैं अभी नेक्स्ट लोकेशन जयपुर यूरेका लेके आएंगे। यूरेका में सब लोगों ने बाहुबली सेट्स देखे हैं सर, बाहुबली सेट्स यूजर है ये जो लोग नहीं देखे न्यू एरिना से जाना है, न्यू एरिना में आपको बसेस कंटिन्यू रहेंगे बाहुबली सेट्स के लिए। और जो लोग बाहुबली कम्प्लीट किए वो जाना है रामोजी मूवी में। ओके रामोजी मूवी में 1:30, 2:30, 3:30, 4:45 अलग बना शो टाइमिंग फ्रीडम रामोजी शो 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 जो यूरेका में शो रहेंगे आपको। तो किसी जगह पे आपको टोटल 24 गार्डन से जो आप सब लोग उतर के फोटो डायरेक्टर जो कोई ऊटी लोकेशन चाहिए तो यहीं पे दिखा देंगे। और आप किसी को लंच करना है तो आपको दोनों एक तो बाहुबली इको टूर कम्प्लीट एग्जिट रहेगा ना वहाँ पे रेस्टोरेंट तेलुगु मूवी राजा है स्वागत है। तो यही आगे ड्रॉप होने वाला है पहले सब लोग हवा में वेलकम टू हवा में। तो आप सब लोग बस से उतरने के बाद मेरे अंदर बल्दी की तरफ आता लेफ्ट हैंड साइड एंट्री हवा में देखे लेफ्ट हैंड साइड जापानीज गार्डन से बस तो उतरने के बाद अभी चलिए जयपुर गार्डन देखते हैं जापानीज गार्डन और जयपुर महल बोला गया जयपुर महल। यहाँ पर जो सूर्यवंशम फिल्म का शूटिंग यहाँ पर हुआ था जयपुर महल के सामने आप देख सकते हैं। ये हवा महल है जयपुर का, इसका सेट बनाया गया है। Thank you.
अभी चलते हैं, चलिए जापानीज गार्डन में, उसके नीचे बस पॉइंट मिलेगा नेक्स्ट स्टॉपेज पहुंचने के लिए, उसके बाद हम बाहुबली का फिल्म से देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा लोकेशन है, यहाँ पर राजस्थानी फिल्म सब शूटिंग होता है, फिल्म शूटिंग होता है, तो ये लोकेशन बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा भी डांस किया, अब नेक्स्ट स्टॉप पे हमारा जापानीज गार्डन, चलिए जाके देखते हैं। ये जापानीज के तरह वो वॉल बनाए गए, देखिए जो ड्रैगन की तरह, अंदर जाके देखेंगे। यहाँ पर जापानीज का महल के बनाए गए, देखिए चलते हैं। सर एक गोड़ दी, देखो गोड़े पानी में कोई तीन लड़ा बड़े पानी इतने होगे तेने वाला पानी नहीं। हम नीचे आके अगर देखें तो यहाँ पर छोटा झरना दिखाया जाएगा, और ये तो जापानीज स्टाइल में इसका महल है, देख सकते हैं तो जापानीज स्टाइल का महल, ये जापानीज महल है, जापानीज राजा लोग का जो महल होता है उस स्टाइल में बनाया गया है, ये जापानीज राजा ने ही बनाया है। ये झरना में से पानी भरे, देखिए तो मैंने तो जाने के लिए जूता खोलना पड़ेगा।
आप देख सकते हैं पूरा इसका जापानीज गार्डन का पूरा दृश्य देख सकते हैं जापानीज गार्डन का। और यहाँ पर झरना बह रहा है, हम लोग भी थोड़ा झरना में जाएंगे अभी। इधर है तो जापानीज गार्डन में देख सकते हैं कितने रोमांचक दृश्य हैं। यहाँ पर वाटरफॉल है, यहाँ पर झरना के आकार में पानी बह रहा है, यहाँ पर खेलने में आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो मैंने भी दिन भर यहाँ बहुत मज़े किए अपने परिवार के साथ, तो आप भी यहाँ जा सकते हैं। तो आगे चलिए, एक ये झरना कितना लंबा है, बहता हुआ जा रहा है अपने वो टेम्पल के आकार में, वहाँ पर जाके वो बह रहा है। जापानीज गार्डन का सफर इतना ही था, अब नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं। तो अब अभी हम लास्ट स्टॉपेज में जाएंगे जहाँ से हम बाहुबली सेट के लिए बस लेंगे। नेक्स्ट में बाहुबली सेट से पहले पार्क आता है, एम्यूजमेंट पार्क। ये टूर मैप आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम अभी जस्ट पहुँचे हैं एम्यूजमेंट पार्क में। यहाँ पार्क में तरह तरह के पशु पक्षी हैं, यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग इस पार्क में भी होती है। ये अस्करी गार्डन है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और नेचुरल इको सिस्टम, ये इको टूर की तरह है, क्योंकि लास्ट में हम इको टूर करने के लिए ये बोला गया है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली बस थोड़ा नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल सीनरी जो जिसको पसंद है उसके लिए ये जगह परफेक्ट है। नेक्स्ट हम जाएंगे बाहुबली से पहले यूरेका, उसके बाद बाहुबली का टूर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बटरफ्लाई डिफरेंस लगे हुए हैं और तरह तरह के बटरफ्लाई। और यहाँ पर बटरफ्लाई म्यूजियम में चले जाके देखते हैं क्या क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई दिखाया गया है। नेक्स्ट बटरफ्लाई गार्डन में देखते हैं। यहाँ
यहाँ पर रियल बटरफ्लाई देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बटरफ्लाई से कैप्चर कर रखा हुआ है यहाँ पर। एक नज़र पर थोड़े थोड़े है यहाँ बटरफ्लाई, बेसिकली बटरफ्लाई का रहने का जगह बनाया गया है। स्टेज में देखिए ये बटरफ्लाई के केज के अंदर रखा हुआ है, देख सकते हैं अगर थोड़ा दिखेगा तो, ज़्यादा नज़र तो नहीं आ रहा है, अरे केज के अंदर बटरफ्लाईज रखा गया है। आप देखिए थोड़ा थोड़ा अगर दिख रहा था यहाँ पर भी अच्छा पानी दो चार घंटे बस बटरफ्लाई गार्डन देखते हैं बटरफ्लाई से, तो आगे देखते हैं बटरफ्लाईज के बाद अब देखेंगे कैप्चर योर रैडो मूवमेंट्स। अब यहाँ क्या किया हुआ देखते हैं, लास्ट में यहाँ पर बड़े बड़े पक्षियों का भी शायद म्यूजियम है, ये जाके देख लेते हैं एक बार। ये विंग्स नाम दिया गया है, ठीक ऑन रहा थे पेंगुइन पेंगुइन आप देख सकते हैं, डक्स का डिफरेंट प्रजाति है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डक्स है यहाँ पे, जैसे ये है ये डक्स, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के डक्स यहाँ पर मौजूद हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर और स्वान भी है और डक भी है, तो आप देख सकते हैं झरना कितना सुंदर दिख रहा है। तो झरना के ऊपर जो मूर्ति बैठी हुई है आप देख सकते हैं, तो ग्रीक माइथोलॉजी की मूर्ति है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया वाटरफॉल है, और ये है हमारा ये विंग्स के अंदर है, विंग्स एक बर्ड का सैंक्चुअरी टाइप का बनाया गया है, उसके अंदर ही वाटरफॉल है। और वाटरफॉल के पास बहुत ठंडा ठंडा उसका महसूस हो रहा है, उससे पहले तो बहुत गर्मी लग रहा था, तो आप यहाँ पर आपके लिए मजा कर सकते हैं। ये सब चिड़ियाघर का सेटिंग किया हुआ है ताकि यहाँ पर चिड़ियाघर शूटिंग हो सके, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिड़िया यहाँ पर रखा गया ताकि शूटिंग हो सके। तो इसी के साथ चिड़ियाखाना का एग्जिस्ट होता है, चिड़ियाखाना का सेटअप का। ये ऑस्ट्रिच का एक देख सकते हैं आप, यहाँ से ऑस्ट्रिच निकलेगा। अब बर्ड्स गार्डन से निकलते हुए हम आ रहे हैं यहाँ पर डीप वाटर के अंडर वाटर पार्क में। यहाँ पर फाउंटेन देख सकते हैं, यहाँ पर हाथी देख सकते हैं और बहुत सारा नज़ारा यहाँ पर। आप देखिए पीछे तरफ है यहाँ पर हाथी और यहाँ पर वाटर का पार्क है। नेक्स्ट बाहुबली के सेट से पहले हमने कुछ खाना खा लिया, जैसे आप देख सकते कृपालू यहाँ पर स्टोर है, यहाँ पर इन बिटवीन बहुत सारे लंच के लंच खाने के लिए जगह है, जैसे बिरयानी खाने का स्टॉल जब हम बिरयानी लेके आए हैं तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, क्योंकि आप फिल्म सेट हम लगे रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ खाने का हमारा बहुत अच्छा इंतजाम हो चुका है, यहाँ पर
चिकन बिरयानी खा रहे हैं। आप यहाँ आराम से चिकन बिरयानी पा सकते हैं। खाने के बाद हम निकलेंगे तो डायरेक्ट बाहुबली सेट पे, इधर खाना खा लेते हैं। बाहुबली सेट से पहले और एक दिल की गुफा के और भी हम चलेंगे, जैसे अभी हम जा रहे हैं उसके बाद चलिए देखते हैं अंदर क्या हिस्ट्री हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। प्राचीन गुफा के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर बुद्ध भगवान की गुफा के दिखाया गया है, देख सकते हैं आप प्राचीन मूर्तियाँ जहाँ पर लगी हुई है। ये प्राचीन मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। बाहुबली चारों तरफ लगी हुई है। आप देखिए ये काम कर रहे हैं, प्राचीन काल की मूर्ति आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है शो इन एवरी वन मिनट, तो यहाँ पर कुछ चेंज होगा अभी। शो इन एवरी वन मिनट तो अभी कुछ आ सकता है, देखते हैं। हाँ ऊपरे ये डा स्क्रीन टा वन मिनट में यहाँ पर स्टैचू चेंज होगा, आप देख सकते हैं। बाबा बाबा एक घंटी देख चो, और ये प्राचीन घंटी, ये बहुत पुरानी काल की घंटी है। ये बुद्ध भगवान की कुछ घंटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ধরো তোমাকে ধরো
चालू अच्छे ना फिर चालू और आखिर में एग्जिट में भी बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई है, देख सकते हैं और पुराने काल की मूर्तियाँ हैं मजेदार और जवानी की। बुद्ध भगवान से प्रेरित होकर उनके शिष्यों ने इतनी मूर्तियाँ बनाई हैं। तो बाहर निकल के आ गए हैं, अब दूसरी जगह चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बॉन्साई प्लांट लगे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं बॉन्साई पर छोटे छोटे प्लांट कटिंग्स लगे हुए हैं। ये जापानीज स्टाइल एक्चुअली ये फॉलो करता है बॉन्साई प्लांट। तो यहाँ बहुत बड़ा एक गार्डन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी फिल्म शूटिंग होती है और हम जाएंगे वहाँ पर, अब देखते हैं। ये गार्डन बहुत फिल्मों में दिखाई गई है, आप देख सकते हैं, और वहाँ पर बहुत बड़ा फाउंटेन भी है, तो जल्दी चल के देखते हैं। बहुत अच्छा फाउंटेन लगाया गया है, फाउंटेन में चारों तरफ घोड़े हैं, घोड़े पानी बरसा रहे हैं। और ये पास का नज़ारा देख सकते हैं, ये राउंड भी आपने देखा, बहुत अच्छा नज़ारा है ये फाउंटेन का। अब बस अब चलते हैं, लास्ट में बाहुबली का सेट देखेंगे और उसके बाद अगर कुछ रॉक कॉन्सर्ट होगा तो वो देखेंगे, क्योंकि बोला गया है कि शाम 6 बजे तक कुछ रॉक कॉन्सर्ट या कुछ फंक्शन होने वाला है। तो तब तक हम अपनी एनर्जी बता के रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है और एनर्जी तो हमारी डाउन थोड़ी हो गई है। अब खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद फिर से हम जाएंगे बाहुबली के सेट में। चलिए तब तक। रिटर्न बैक दिया जा रहा है स्टार्ट पॉइंट में, वहाँ से हमें दूसरा बस लेना पड़ेगा बाहुबली सेट के लिए। तो चलिए स्टार्टिंग पॉइंट में चलते हैं।
चलिए आप बाहुबली सेक्टर में बस खड़ी हुई है। क्या बाहुबली के सेक्टर में बस खड़ी है देखिए। चलिए बस में चलते हैं, यहाँ से हम बाहुबली के सेट में जा सकते हैं। तो हमें फाइनली बाहुबली सेट के लिए बस ले चुके हैं और जो हमें बाहुबली सेट तक पहुँचा देगी। चलिए फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बाहुबली का सेट, जो कि बहुत ही प्रचलित है, जो बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के लिए बनाया गया है फुल सेट। आप देख सकते हैं ये यहाँ सब पिक्चर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवगामी देवी का पिक्चर है, कटप्पा का पिक्चर है। बाकी आगे चलते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर माहिष्मती साम्राज्य का जो मिनिएचर वर्जन जो बनाया गया था, जहाँ पर सब मैप प्लॉटिंग होती थी, ये वही जगह है। ये बाहुबली का सेट पूरा स्टार्टिंग की बीस रुपये में बड़ा गया। यहाँ पर बाहुबली की पूरी शूटिंग हुई है यहाँ पर। आगे चलते हैं, कार्डबोर्ड से बनी हुई है, ये रियल नहीं है, कार्डबोर्ड से बनी हुई है, तो तोड़ दो। गेट भी कार्ड फिट से बनी है। आप देखिए पूरा ये सेट दिखाए आपको, दोस्तों आप देख सकते हैं ये वही हाथी है बाहुबली 2 में जो फर्स्ट सीन में दिखाया गया था, और जहाँ पर हमारे बाहुबली ने इस हाथी को शिवगामी देवी के पास जाने से रोका था। तो ये तो आप देख सकते हैं पूरा बाहुबली का सेट है, जहाँ पर बाहुबली 2 की पूरी शूटिंग हुई है। बाहुबली 1 की भी हुई है, पर बाहुबली 2 में ज़्यादातर ये सेट दिखाया गया है। आप देखिए यहाँ पर तो मगरमच्छ भी यहाँ पर थे पानी के साथ। ये माहिष्मती का पूरा साम्राज्य दिखाया गया है, कोई एनिमेशन नहीं किया गया था, फुल सेट ही बनाए गए थे यहाँ पर। आप देख सकते हैं फुल सेट। तो ये आप देख सकते हैं ये वो माहिष्मती साम्राज्य जहाँ पर भल्लाल देव का राज्याभिषेक हुआ था, ये वो घोड़े दिखाए गए थे। और ये चारों तरफ यहाँ पर युद्ध की तलवार और बड़े बड़े जो युद्ध के सामान है वो भी है यहाँ पर। और ये देखिए वो घोड़ा का इतना बड़ा घोड़ा है, वो पूरा बनाया गया है यहाँ पर, कोई एनिमेशन नहीं है, ये रियल में बनाया गया था। तो ये मैं आपको राउंड व्यू दिखा रहा हूँ, देखिए चारों तरफ का व्यू, ये बहुत अच्छे कलर दिए गए हैं इसको। ये पूरा माहिष्मती साम्राज्य है और ये दिन के उजाले में बहुत अच्छा दिख रहा है ये माहिष्मती साम्राज्य। तो हमने पूरा इसका टूर किया, ये बाहुबली ये देखिए ये चक्र वहाँ ये भी दिखाया गया था वहाँ पर। और आप दूर देख सकते हैं ये है वो मेन जो एंट्रेंस, जो बाहुबली जहाँ पर वो सबसे पहले शिवगामी देवी से मिलता है, ये देख सकते हैं आप। सिंहासन है यहाँ पर,
शिवगामी देवी बैठती थी, जहाँ भल्लाल देव शिवगामी देवी जहाँ बैठती थी। आप देख सकते हैं मैं जस्ट शिवगामी देवी के सिंहासन के जस्ट निकट ही खड़ा हूँ। यहाँ पर शिवगामी देवी बैठी थी और जस्ट पीछे उसका पूरा साम्राज्य का पताका फहरा रहा है। अब देखिए मैं पर टॉप तक पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। उसका रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, देवी का सिंहासन भी दिख रहा है पीछे से और यहाँ पर उसका पूरा साम्राज्य भी दिख रहा है। और आगे जाके देखेंगे तो बाहुबली ने भल्लाल देव को परास्त किया। भल्लाल देव की कटी हुई मूर्ति है। ये भल्लाल देव की कटी हुई मूर्ति देख सकते हैं आप बार में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंत एंड सीन हुआ था बाहुबली की, जहाँ पर बाहुबली और भल्लाल देव का युद्ध हुआ था। आप देख सकते हैं भल्लाल देव की कटी हुई मूर्ति है यहाँ पर अंत में, जिस भल्लाल देव की मूर्ति को बाहुबली ने जीत तोड़ दिया था वो आधा यहाँ आधा वहाँ। पूरा पास जाके हमने देखा और आपको राउंड भी दिखा रहे देखे। तो ये बाहुबली का आखिरी सेट था दोस्तों, तो इसके बाद हम आखिरी बस लेके जाएंगे फिल्म सिटी से। इस गेट के तरफ हमें मिलेगा आखिरी बस, तो यहाँ से और इस सेट का आखिरी स्टेज था जहाँ पर लास्ट स्टेज, क्योंकि यहाँ पर तो मुकाबला हुआ था, मुकाबला के बाद यहाँ पर ख़त्म हुआ था बाहुबली और भल्लाल देव का युद्ध। तो इस युद्ध के बाद आखिरी बस हम लेंगे, आखिरी बस लेने के बाद हम फिल्म सिटी के मेन एंट्रेंस में पहुँचेंगे और उसके बाद हम और कुछ बाकी रिक्रिएशन एक्टिविटी फिर ले भी जा सकते हैं, या मूवी मैजिक है कि फिल्म दुनिया है, कोई भी और रिक्रिएशन के भी जा सकते हैं। पर आज का दिन हम बाहुबली सेट के लास्ट तक ही जाएंगे और देखते हैं आगे कुछ है तो हम देखेंगे। अभी तो 6 o'clock बज गया है और ये खुलता है, खुला रहता है 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक वो तो बोला गया है हमें, वो रूटीन दिया गया है हमें, वो मैप दिया गया है जहाँ पर ये फिल्म सेट के अलग अलग लोकेशंस हैं। तो अभी ये फाइनल ये है, तो हम चलते हैं आगे चल के देखते हैं क्या है। चलिए बाहुबली के सेट से आते आते पूरा शाम हो गई और शाम के समय हमें रॉक कॉन्सर्ट का बोला गया था, रॉक कॉन्सर्ट 6 बजे से होने वाला था, तो हम डायरेक्ट बस हमें यहाँ छोड़ दिया। तो हम यहाँ रॉक कॉन्सर्ट थोड़ा देखने के बाद फिर चलेंगे आगे। देखा था जो सजा हुआ था पर लाइटिंग नहीं हुई थी, अब लाइट हो चुकी है। मैंने कहा था सुबह को, तब सुबह को देखे थे ये सब डिजाइन हुआ था, मैं बोल रहा था ये लाइट चलेगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है लाइटिंग के साथ, डांस की शूटिंग होती है। पर यहाँ पर देखिए अब क्लियरली लाइट जली है, लकड़ी से बना हुआ है, लाइट जलने से बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत सुंदर दिख रहा है ये जगह। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा दिख रहा है, आप देखिए चारों तरफ देखिए। सुबह को मैंने दिखाया था आपको, अब आते आते बाहुबली से रात हो गई और तो लाइटिंग के साथ कितना अच्छा दिखता है आप देख सकते हैं, सारे लाइटिंग हो चुका है। सुबह को यह सब डिजाइनर हुआ था बस। तो नाचना कैसे
पे देख सकते हैं रात के समय में ये फिल्म सिटी कितनी जगमगा रही है। के समय आए थे और रात हो गई अभी, पर सिटी और जगमगा रही है। आप देख सकते हैं एकदम लाइटिंग जस्ट लगी हुई थी पर जली नहीं थी, अब जल चुकी लाइटिंग। तो लाइटिंग के साथ हम देखेंगे और आगे बढ़ती कैसे दिखती है। आप देख सकते हैं इसी जगह पे हम सुबह को आए थे, मतलब लाइट्स नहीं जली थी, अभी लाइट्स जल चुकी है। तो और खूबसूरत दिख रही है ये जगह, यहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था। आप देख सकते हैं ये इनॉग्रेशन सेरेमनी का जगह है। Ramoji Film City is all set to present the Winter Fest Carnival 2022 grand celebration along with stage show, and we request all the guests to kindly proceed towards the 2022 special stage show on barbecue. सभी अतिथियों से दरख्वास्त है कि आप सभी लोग न्यू अरेना एरिया की ओर प्रस्थान कीजिए, इस शो का आनंद उठाएं। तो हाँ, यहाँ पर हमें विंटर फेस्ट कार्निवल के लिए इनविटेशन मिल रहा है और ये जगह देखिए कलरफुल लाइट्स जली हुई, यहाँ पर विंटर फेस्ट कार्निवल होने वाला है। आप देख सकते हैं अभी विंटर कार्निवल का ग्रैंड शो होने वाला है। न्यू एरिना में बुलाया जा रहा है, अभी वहाँ पर स्पेशल शो हमारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो जाएंगे अभी 6 बजे। तो ऑर्गेनाइज किया गया, अभी 5:30 हुआ है। अभी लाइटिंग सब जल चुकी है और ये फिल्म सिटी कितनी खूबसूरत दिख रही है, रात का नज़ारा कुछ देखने का लायक है। और ये अभी स्पेशल प्रोग्राम के लिए बुलाया जा रहा है स्पेशल एरिना में। यहाँ पर सुबह को एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था और अभी स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है, रॉक कॉन्सर्ट होने वाला है, उसको बुलाया जा रहा है। चले चलते हैं। तो हम पूरा दिन घूमने के बाद रामोजी फिल्म सिटी के अंत तक पहुंच गए हैं। रात को इसका नज़ारा कैसे दिखता है आप देख सकते हैं, रात को इसका नज़ारा कैसे दिखता है। रात को ऊपर लाइटिंग से जगमगा रहा है ये रामोजी फिल्म सिटी। मैं इसका चारों तरफ का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर हम इस जगह से उतरे थे और बस लेके आए थे, अब बस फिर से आ रही है। जो राजस्थानी फोर्ट है वो भी जगमगा रहा है, देखे लाइटिंग से। रात को हम थोड़े राजस्थानी लाइट के पास चलते हैं, राजस्थानी। चलिए हम चलते हैं थोड़ी देखने के लिए राजस्थानी फोर्ट जो है वो लाइट से अंदर का व्यू कैसे दिखता है, जाके हम देखते हैं कि अब राजस्थानी फोर्ट में क्या चल रहा है। सुबह को तो कुछ नहीं चल रहा था, सुबह को कुछ अरेंजमेंट हो रहा था लाइटिंग फाइटिंग के लिए, अरेंजमेंट हो रहा था, आपसे जगमगा रहा है फोर्ट, पर अंदर से क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। इसका बाहर का व्यू तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट, इससे कितने पर लाइटिंग से जल रही है, और चारों तरफ का व्यू मैं दिखा देता हूँ। और अंदर जाके देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, लाइटिंग से जगमगा रहा है। देखिए बहुत अच्छी लाइटिंग दी गई यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये देखिए पूरा उसका लुक आ रहा है, जो राजस्थानी फोर्ट जो होता है, यहाँ पर गाना बज रहा है और इसका फोर्ट का पूरा लुक आ रहा है। देखिए आप देख सकते हैं, ये हमारे फोटोशूट के लिए ही सब अरेंजमेंट किया गया है, बहुत अच्छा भव्य अरेंजमेंट किया गया है, आप देख सकते हैं। मैं डिटेल्ड आपको यह दिखा रहा हूँ, देखिए रात का समय कितना अच्छा नज़ारा देखते हैं। आपके पैकेज में तो ये सुबह 9 से रात 9 तक होता है, तब रात 9 बजे तक बैठ के भी ये सब आप कवर कर सकते हैं, चाहे सुबह को ये, पर रात को आप ये लाइटिंग करने के बाद भी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर।
किसी किसी जगह पर फोटोशूट करना अलाउड नहीं होता है, पर यहाँ पर फिर अलाउड है। और देखिए इतना अच्छा नज़ारा देखने के बाद आपको फोटोशूट करने का मन करेगा ही करेगा। मैं फुल यहाँ का ग्राउंड भी आपको दिखा रहा हूँ। ये राजस्थानी कोर्ट का ये सेट किया हुआ है जहाँ पर राजा महाराजा के राजस्थानी कोर्ट दिखाए जाते हैं। जनरली राजस्थानी जो सीरियल भी यहाँ पर शूट होते हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो नीचे जाके भी आप शूट कर सकते हैं, नीचे भी यहाँ पर वाटरफॉल है, नीचे जाके भी आप शूट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेयर्स है, स्टेयर्स के नीचे जाके शूट कर सकते हैं आप। देखते हैं हम नीचे जाते हैं, नीचे जाके ऊपर का व्यू बस क्लियर दिख रहा है यहाँ से। यहाँ पर नीचे का व्यू और साइड में जो वाटरफॉल दिया गया है, वाटरफॉल का ये सब फिल्म में दिखाया जाता है या सीरियल में दिखाया जाता है जनरली। अगर आप देखिए फिल्म मूवी में, मूवी का आप देख सकते हैं बाजीराव मस्तानी की मूवी में जो गाना शूट हुआ है मोहे रंग दो लाल, ये यहाँ इस जगह में शूट हुआ है। देख सकते हैं पूरा इसका एरिया दिखाता हूँ, ये मैं नीचे तरफ आ चुका हूँ, आपका बैक साइड का व्यू भी दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर बहुत सारे पौराणिक सीरियल और पौराणिक फिल्म भी शूट हुए हैं, जहाँ से बाजीराव मस्तानी एक है। और भी बहुत सारे अनारकली या वैसे टाइप के जो सॉन्ग्स हैं जहाँ पर क्लासिकल की ज़रूरत पड़ती है, वो यहीं पर शूटिंग हुई है। आप देख सकते कितना मनमोहक दिख रहा है, मनोरंजक दृश्य दिख रहा है। और नीचे चलते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ लाइटिंग भी है, यहाँ पर वाटरफॉल तो है, वाटरफॉल के साथ साथ वाटरफॉल में लाइटिंग भी है, तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ये बहुत सुंदर है ये दृश्य। और थोड़ा करीब चलते हैं तो क्या हो देखते हैं। और ये बैक साइड का दृश्य आप देख सकते हैं, और ये छोटे छोटे वाटरफॉल के साथ साइड बाय साइड बड़े वाटरफॉल भी हैं। फॉल कितने मनमोहक दृश्य दे रहे हैं यहाँ पर, और बैक का नज़ारा तो और ही मनोरंजक है। मैं पूरा डिटेल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और बीच में यहाँ पर जाने के लिए रास्ता दिया गया है, अलग साइड में जा सकते हैं आप। और थोड़ा नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं और ज़्यादा फुहार लग रहा है, और फुहारें और बड़ी होती जा रही है। यहाँ पर लाइटिंग्स की तो भरमार है, या फिर शूटिंग के लिए लाइटिंग्स दी गई है, बहुत अच्छी दिख रही है लाइटिंग। तब देख सकते हैं ये तो और बड़ी हो गई लाइटिंग। ये मैं आपको रात का नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये हम सुबह पर आ चुके हैं। राजस्थानी फोर्ट है जो फिल्म सिटी के जस्ट नज़दीक है, मतलब फिल्म सिटी के अंदर ही है, सिटी में थोड़े बाद में हम ये दृश्य देखते हैं, थोड़े बाद में हम ये राजस्थानी फोर्ट देखते हैं, पर मैं यहाँ पर रात को पहले आ चुका हूँ। यहाँ पर सुबह को लाइटिंग नहीं जली थी, पर अब लाइटिंग जल चुकी है, तो मैं आपको दिखाने आया हूँ। लाइटिंग के साथ साथ हमें गाना भी बजना शुरू हो गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पीछे। तब चलते हैं, ये इतना तक ही है, आप चलते हैं ऊपर सीट से। चलिए हम अभी रिटर्न चलते हैं, राजस्थानी फोर्ट को हम देख लिए रात का व्यू, अब रिटर्न चलकर देखते हैं वहाँ पर कौन सा कॉन्सर्ट चल रहा है, देखते हैं। नाइट व्यू है इस जगह का, और ये भी सुबह में जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से निकले थे आईफिल टावर, फुल भी नाइट का व्यू देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा
गार्डन एरिया है और प्लेग्राउंड एरिया भी है जहाँ पर प्लेस आप देख सकते हैं। रात का व्यू, सुबह का मैंने फोटो उठाया था विदाउट लाइट, अब रात का व्यू जीनी का देख सकते हैं आप, लाइट कितना जगमगा रहा है जीनी। चलिए पास रहे, इसका मुंह का अंदर का व्यू है जीनी। मिस कर दिया था ये डिज्नी, एक तरह का डिज्नीलैंड ही है, डिज्नीलैंड में जो जो कार्टून्स हैं वो सब है, तो चलिए देखते हैं और क्या क्या कार्टून्स हमने मिस किया है। ये तो न्यूजुअल कार्टून है, यहाँ पर एक कार्टून है जो किंग कॉन्ग का छोटा बेटा लग रहा है। साइड में आप देख सकते हैं ये जुरासिक पार्क में कोई कैरेक्टर होगा, ये जुरासिक पार्क का कैरेक्टर है। और यहाँ पर ये तो कोई कार्टून कैरेक्टर्स है, ये कुछ सोल के अंश है देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर बस आखिर में वही पेंगुइन और स्नोस के कुछ स्टैचूस लगे हुए हैं जो हमने सुबह को मिस कर दिए थे, अब हम देख लिए हैं इसको। ये कोई कीड़ा है देख सकते हैं आप। चलिए स्टेयर्स में देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा ये दोनों फिर से हमें दिख गए हैं, ये बाहुबली के दो बफेलो थे वो हैं यहाँ पर। और यहाँ पर तो एलिगेटर देख सकते हैं आप, ये लिजर्ड है कि एलिगेटर है ये पता नहीं। अब ये डिज्नीलैंड की तरह दिख रहा है, यहाँ बैठने के लिए कुछ अरेना बनाया गया है। अगर और थोड़ा ऊपर हम चले तो देखेंगे यहाँ पर स्टैचूज हैं बियर लाइट्स को पकड़े हुए, बेचारे बियर को लाइट पकड़ा दिए। यहाँ पर स्नेक्स एंड लैडर्स का गेम है, आप देख सकते हैं स्नेक्स एंड लैडर का गेम है। अगर हम यहाँ पर स्नेक लैडर पे चले तो यहाँ पर स्नेक हमें काट के खा देगा। चलिए नीचे चलते हैं, देखिए स्नेक्स एंड लैडर्स का गेम खेल रहे हैं बच्चे। तुम स्नेक्स का लैडर गेम खेल रहे हो? नाम नाम अच्छा मैं इधर देखिए। अच्छा देख सकते हैं तो यहाँ पर स्नेक्स और लैडर्स का गेम खेल रहे हैं। देख सकते हैं रात हो गई, इस रात के समय भीड़ लग चुका है, सुबह को इतना भीड़ नहीं था, अब खेलने के अरीना में बहुत भीड़ लग चुका है। लाइटिंग्स भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे हो गई है। जाने का टाइम हो चुका है, देखते हैं और कोई कॉन्सर्ट चल रहा है कि नहीं, अगर नहीं चल रहा तो हम जा सकते हैं।
या आखिरी बार फिर से हम किले के अंदर जाके देख लेते हैं कि लाइटिंग्स कैसी है जो सुबह में देखे गए थे चाइनीज जो डिजाइन। और आखिर में यहाँ पर कार्निवल फेस्टिवल के लिए यहाँ पर बहुत सारे जो कलरफुल डिज़ाइनर व्हीकल रन हुए रास्ते में इधर से उधर, और वो उनका थीम भी बहुत यूनिक था, बहुत अच्छे अच्छे व्हीकल थे। अब देख सकते हैं यहाँ पर घोड़े का, देखिए घोड़ा घूमते हुए, घोड़े के साथ नेचुरल था, नेचुरल कुछ था, कुछ अलग अलग थीम पे थे, ये सब एनिमल्स के हैं। और आसपास देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे थीम्स के कार्निवल्स के व्हीकल्स रन हुए लास्ट। इसी के साथ एक कार्निवल फेस्टिवल भी ख़त्म हुआ और हमारी बस भी और थोड़ी देर में आने वाली थी। तो ये हमारा रामोजी फिल्म सिटी का बहुत अच्छा ट्रिप हुआ। तो आप ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स यहाँ से बना सकूँ। थैंक यू। Thank you.